नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण लेनदेन बताया जा रहा है। फिलहाल सूचना पर थाने की पुलिस व SSP समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बताते चले कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली के बजरंग नगर में चंदन सिंह अपनी पत्नी और 80 वर्षीय मां कलावती समेत परिवार के साथ रहता था। पुलिस के अनुसार चंदन की पत्नी ने बताया कि बबीना थाना अंतर्गत ग्राम घिसौली में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके पति के खाते से फर्जी तरीके से लगभग 2.25 लाख रुपए निकाल लिए थे, जिसका मुकदमा ग्वालियर में चल रहा है। इसी मुकदमे को वापस लेने के लिए आरोपी लगातार दबाव बना। आज उस व्यक्ति गांव पहुंचा और गाली गलौज करते हुए झगड़ा करने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने उसके पति चंदन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह देख उसकी मां बचाने पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें उसके पति और सास की मौत हो गई। यह देख स्थानीय क्षेत्रवासियों ने उसकी सूचना थाने की पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। को उनके एक रिश्तेदार के द्वारा झगड़े के दौरान घायल कर दिया गया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। अभी डॉक्टरों ने चेकअप करके बताया है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो आरोपी है वो उनका रिश्तेदार है, आपस में कुछ झगड़ा हुआ है, उसी झगड़े को लेकर ये घटना घटित हुई है। पुलिस ने जो आरोपी है उसके पीछे टीमें लगा दी हैं। शेष जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस अपन कर। सर, मृतक दोनों लोगों की मौत हो गई? हाँ, डॉक्टर ने यही बताया कि दोनों लोगों की डेथ हो चुकी है। क्या लग रहा सर, क्या रंजिश लग रही? मैंने आपको बताया ना कि आपस में कुछ पैसे का लेन देन का मामला था, कुछ अन्य चीज़ें भी इस दौरान निकल के आ रही हैं। आपस में ये लोग रिश्तेदार हैं, वो घर पर आया था, इन लोगों ने बुलाया है। जो अभी तक पता लगा है उसके अनुसार उसी दौरान कुछ झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में ये लोग घायल हो गए। तत्काल इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, उसी में उनकी डेथ हुई। ठीक।